सहसपुर में एनआईए अधिकारी तंजील अहमद हत्याकांड के बाद मृतक आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली सहायता राशि चेक देने के लिए जिलाधिकारी बी चंद्रकला सहसपुर पहुंची। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि हालांकि मृतक तंजील अहमद की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रदेश सरकार की सहायता से मृतक आश्रितों के भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। बताते चलें कि तंजील अहमद की सहसपुर में हत्या के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की थी, जिसमें से फिलहाल 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई, जिसे 3 रूपों में आश्रितों के नाम किया गया। इस दौरान सहसपुर में पुलिस अधीक्षक सुभाष सिंह बघेल, राज्य मंत्री एवं क्षेत्र विधायक ठाकुर मूलचंद चौहान, नगीना विधायक मनोज पारस, पूर्व सांसद इंजीनियर यशवीर सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नईमुल हसन, सपा जिलाध्यक्ष अनिल यादव, धामपुर उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार डॉक्टर जगन्नाथ सिंह सहित मृतक तंजील अहमद के परिजन और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। निधन के उपरांत उनके दोनों ही बच्चों को आप लोगों ने जो सपोर्ट किया और सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और शासन की ओर से इन दोनों बच्चों के लिए इस दुखद घटना की संवेदना व्यक्त करते हुए, जो क्षतिपूर्ति हुई है वो तो किसी भी तरह की भरपाई लायक तो है नहीं, लेकिन दोनों बच्चों के भविष्य को देखते हुए माननीय मंत्री जी और विधायक जी द्वारा काफी प्रयास करते हुए अति शीघ्र 20 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष से प्राप्त किया गया और आज इस धनराशि को आप सबके बीच एक निर्णय ये लिया गया था, जिसमें श्री दिवंगत तंजील अहमद जी के भाई साहब भी उसमें उपस्थित रहे हैं और इस 20 लाख को 2 पार्ट में 10-10 लाख के रूप में 2 FD बनवाई गई, जो आज की डेट में 10/5/2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धामपुर शाखा में बनवाई गई, जिनका 6 साल की अवधि उपरांत ये 10 लाख दोनों उनके जो वारिसान हैं, जिनमें 16 साल की उनकी पुत्रिका है जिनका नाम है जिमनिश करीबा और 12 साल की उम्र के शहबाज करीम, इन दोनों के नाम से 10-10 लाख का FD किया गया और इस FD की धनराशि में जो 6 साल में होते हुए 10 मई 2022 को इनको 15,16,443 रुपए प्रति वारिसान के रूप में उनको प्राप्त की जाएगी, तब तक उनकी उम्र भी बालिग में शामिल हो जाएगी और दोनों भी अपने भविष्य के लिए इस धनराशि का स्वतः से उपयोग कर सकते हैं।